दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि काफी मिस्टीरियस भी है और काफी फेमस टॉपिक भी है, द इल्यूमिनाटी। दोस्तों इल्यूमिनाटी 17th सेंचुरी बावेरिया जर्मनी में एक सीक्रेट सोसाइटी हुआ करती थी। इनिशियल टाइम में इसका नाम था बावेरियन इल्यूमिनाटी एंड इट वॉज फाउंडेड इन 1776। दिस सोसाइटी हैव मैसिव इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिकल पीपल, इकोनॉमिक पीपल एंड सोशल पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। कुछ लोगों का तो ये मानना है कि दिस सोसाइटी डजंट एग्जिस्ट एनीमोर एंड इट वॉज जस्ट अ पॉप कल्चर फिक्शन। बट ऑब्वियसली बात है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ लोग नहीं मानते तो दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत इस पर बिलीव करते हैं। कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट एंड कुछ कॉन्स्पिरेसी बिलीवर्स मानते हैं कि इल्यूमिनाटी आज भी एग्जिस्ट करता है एंड इल्यूमिनाटी के लोग हर जगह हो सकते हैं, मे बी पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, रिलीजन में हो सकते हैं या फिर इकोनॉमिक की जगहों पर हो सकते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी एमंग पीपल फॉर दिस टॉपिक, इट इज स्टिल अ मिस्टीरियस टॉपिक व्हिच कांट बी इग्नोर्ड। हम इंसानों में खुजली होती है हर चीजों में मीनिंग निकालने की, तो ये सीक्रेट सोसाइटी को हम कैसे छोड़ सकते हैं। So with that said, let's dive into the 10 things you don't know about Illuminati. Number 1, the Illuminati didn't always have the reputation of evil. ये बात सच है कि ये एक बहुत ही खुफिया सोसाइटी थी जो लोगों से छुप के काम करते थे और अजीबो गरीब तरीके के रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, बट स्टिल दे ऑल्सो एनकरेज द रेशनल थॉट प्रोसेस एंड सेल्फ रूल। इसका मतलब ये है कि दे वर मेनली फोकस्ड ऑन फ्यूचर, फ्यूचर में क्या तरक्की की जा सकती है, इन्हीं सब चीजों के लिए ये सोसाइटी बनी थी। दे वर एंटी क्लेरिशियल एंड एंटी रॉयल। एंटी क्लेरिकल का मतलब होता है द वन हु अपोजेस रिलीजियस बिलीफ्स सुपरस्टिशन, यानी कि ये लोग दुनिया से रिलीजियस बिलीफ्स और सुपरस्टिशन को हटाना चाहते थे। एंटी रॉयल का मतलब आप शायद जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो चलो एग्जांपल से बताता हूँ। जब ये सोसाइटी फॉर्म हुई थी तो उस वक्त राजा महाराजा लोग हुआ करते थे जो कि पूरे देश पर राज करते थे, एंड दैट्स व्हाई दिस सोसाइटी बिकेम रेवेल फॉर देम। दे डिडंट वांटेड टू बी स्लेव फॉर सम किंग्स या फिर क्वींस, एंड दैट्स व्हाई दे प्रमोट द आइडिया ऑफ इल्यूमिनाटी एंड दे वांटेड टू बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच कैन कंट्रोल द वर्ल्ड। इनके इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। नंबर 2, द इल्यूमिनाटी फेल्ड इन कंकरिंग द वर्ल्ड। दोस्तों जब बात करें कि आखिर इनका इन्फ्लुएंस कितना था, तो मेनी हिस्टोरियंस बिलीव दैट दे वेर इन्फ्लुएंशियल पीपल बट स्टिल दे फेल टू कॉन्कर द वर्ल्ड। दे वेर माइल्डली सक्सेसफुल, बट ऑन द अदर हैंड देर आर सम पीपल हु बिलीव दैट इल्यूमिनाटी सक्सेसफुली टेक्स ओवर द वर्ल्ड एंड दे आर स्टिल इन कंट्रोल टुडे, बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ बिलीव, देयर इज नो फैक्ट अबाउट इट। फ्री मेसंस नाम का एक ग्रुप था एंड आज भी है। ये भी एक सीक्रेट सोसाइटी जैसा एक ग्रुप था जो कि लोगों को कंट्रोल करते हैं बिलीफ सुलिप्स के नाम पे, अजीबो गरीब रिचुअल्स हैं इनके भी। एंड अगर इल्यूमिनाटी इतना ही पावरफुल थे तो ऐसी नौबत क्यों आ गई कि इल्यूमिनाटी के लोग फ्री मेसंस के लोगों को अपनी तरफ लाने के लिए फ्री मेसंस के ग्रुप में घुस जाते थे, और चलो मानो अगर घुस भी जाते थे उनको अपनी तरफ लाने के लिए, बट स्टिल आज फ्री मेसन ग्रुप एग्जिस्ट करता है बट इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट नहीं करता। सो इट्स रियली टफ टू से दैट कि इल्यूमिनाटी का इन्फ्लुएंस कितना था। नंबर 3, द रूलर ऑफ बावेरिया बैंड द इल्यूमिनाटी। अब जाहिर सी बात है अगर आप किसी ऐसे सीक्रेट मिशन के मेंबर हो जिसके बारे में किसी को नहीं पता, तो आपके दिमाग में यह जरूर क्लिक होगा कि आई एम द ओनली स्पेशल पर्सन। ऐसा ही इल्यूमिनाटी एंड अदर सीक्रेट सोसाइटीज के साथ हुआ। 1785 में जितनी भी सीक्रेट सोसाइटीज होती थी इंक्लूडिंग इल्यूमिनाटी, सब खुफिया काम में लगे थे, बट देन दिस गाय केम्स इनटू द सीन। इस बंदे ने सब के सब सीक्रेट सोसाइटीज को बैन करवा दिया। ही वाज द किंग ऑफ बावेरिया, और इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इल्यूमिनाटी के मेंबर्स दे वर एंटी रॉयल। अब कोई ये तो नहीं चाहेगा कि मेरी दुकान बंद हो जाए, एंड दैट्स व्हाई ही बैंड ऑल द सीक्रेट सोसाइटीज, क्योंकि ये लोग रॉयल लोगों की पावर को खत्म करना चाहते थे, एंड कोई भी रॉयल बंदा हो वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी पावर कभी कम हो। नंबर 4, द इल्यूमिनाटी आर हेवनली रेफरेंस्ड इन लारा क्रॉफ्ट। दोस्तों इल्यूमिनाटी भले ही सक्सेसफुल हुआ हो या ना हो ये बात की बात है, बट हॉलीवुड वालों को इससे मजबूत वाला फायदा हुआ, बिकॉज हॉलीवुड गॉट एवरीथिंग व्हाट दे नीड टू मेक एन अमेजिंग मास्टरपीस मूवी। इल्यूमिनाटी में मिस्ट्री है, कल्ट रिचुअल्स हैं एंड कई सारे अजीबो गरीब सिंबल्स हैं, एंड यही सब लेकर हॉलीवुड वालों ने एक मूवी बना डाली। इस मूवी का नाम था लारा क्रॉफ्ट द टॉम्ब रेडर। ये मूवी टोटली इल्यूमिनाटी के ऊपर बनी है। फिल्म के शुरू के 30 मिनट में लारा अपने मरे हुए फादर के नोट्स पढ़ती रहती है जिसमें लिखा होता है द वर्ल्ड विल बी इन डेंजर बाय अ सीक्रेट सोसाइटी नोन एज इल्यूमिनाटी, डीवियस डेंजरस मैन हु सीक्स टू फुलफिल एन एंशिएंट प्रोफेसी। वैसे तो ये मूवी YouTube पर अवेलेबल है, इसके कुछ क्लिप्स अवेलेबल हैं, आप चाहो तो देख सकते हो, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। नंबर 5, द इल्यूमिनाटी डिड नॉट एक्सेप्ट वीक माइंडेड पीपल इन देयर रैंक्स। वेल ये एक्सपेक्टेड था, एक सोसाइटी जो पूरे दुनिया को कंट्रोल करना चाहती है वो किसी रिस्क टेकर बंदे को ही चूज करेंगे। इस सोसाइटी में कई रैंक्स होते थे जैसे नोवाइस, माइनर वर्ल्ड एंड इल्यूमिनेटेड माइनर वर्ल्ड। इस रैंक के लोगों की काबिलियत को जज करते थे
एंड देन उसके बाद ही अपने ग्रुप में शामिल करते थे। जैसे कोई बंदा अगर पॉलिटिक्स में एक्सपर्ट होता था तो उसको जांच परख के पॉलिटिक्स वालों के बीच में भेजा जाता था, एंड ऐसे ही हर एक्सपर्ट इल्यूमिनाटिस्ट को उसके एक्सपर्टीज वाली फील्ड में भेजा जाता था। नंबर 6, ये बंदा, इसका नाम है एडम विसाफ्ट। ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस सोसाइटी। ही वॉज अ जर्मन लॉ प्रोफेसर। ही डजंट वॉन्ट टू गेट कंट्रोल बाई मोनार्की और गवर्नमेंट। दैट्स वाई ही थॉट टू क्रिएट अ सिस्टम विच कैन कंट्रोल गवर्नमेंट, पीपल, लिटरली एवरीथिंग। एंड फॉर दैट ही एस्टैब्लिश अ सोसाइटी कॉल्ड एज अ बावेरियन इल्यूमिनाटी, एंड इसी को आज इल्यूमिनाटी कहा जाता है। शुरू में इसके ग्रुप में इसके मेंबर्स कोई और नहीं बल्कि इसके खुद के स्टूडेंट्स लोग थे। एंड सोसाइटी की संरचना के 6 साल तक मेहनत मशक्कत करने के बाद इसके सोसाइटी में 100 और लोग जुड़ गए थे। आप सोचो कि बहुत कम लोग थे इसके सोसाइटी में। ध्यान देने वाली बात यह है कि ही वॉज नॉट चूजिंग एनी रैंडम पर्सन। ही वॉज चूजिंग ओनली दोज हु वेयर इलीट्स पर्सन, मतलब कि जो हाई फाई लोग थे जैसे पॉलिटिशियंस, डॉक्टर्स, नोबलमैन, लॉयर्स, बैंकर्स, ऐसे लोगों को ये बंदा चूज करता था क्योंकि ये सब दिमाग वाले अच्छे खासे सोच रखने वाले लोग थे। एंड इसका ग्रुप अच्छा खासा बढ़े भी जा रहा था, बट जैसे कि बताया, दिस गाय बैंड ऑल द सीक्रेट सोसाइटी, सो दिस इज हाउ इल्यूमिनाटी वैनिश्ड व्हेन इट हैज ओवर 2500 मेंबर्स। नंबर 7, दे वेयर नॉट अ रिलीजियस सोसाइटी। दोस्तों, इल्यूमिनाटी के लोग, जैसे मैंने बताया कि ये रिलीजियस बिल्कुल भी नहीं थे। ये किसी भी तरह के भगवान को नहीं मानते थे। ये पूरी दुनिया से सुपरस्टिशन हटाना चाहते थे, इनका यही मेन मिशन था। दे क्लेम्स देमसेल्व एज अ वेरी एनलाइटेंड पीपल, मतलब कि इनका मानना था जो है बस हम ही हैं। इनके ऐसे खुले विचार किसी भी चर्च वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। ऑब्वियस सी बात है, कहां से आने वाले थे? अगर आप किसी भी रिलीजन के बारे में कुछ अपोजिट बोलते हो तो उनको बुरा लगेगा ही। इवन दो इल्यूमिनाटी डजंट एग्जिस्ट, बट स्टिल आज भी चर्च के लोग बिलीव करते हैं कि इल्यूमिनाटीज आर कंट्रोलिंग द वर्ल्ड फ्रॉम शैडोज। इल्यूमिनाटी के लोगों का मेन मोटो था कि थिंक फ्रीली। नंबर 8, द इल्यूमिनाटी वॉज फाउंडेड द सेम ईयर एज द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ये ब्रिटिश लोग किसी को भी नहीं छोड़ते यार, अमेरिका भी कभी इनका गुलाम रहा है। एंड 1776 में अमेरिका को आजादी मिली इन ब्रिटिश लोगों से, एंड यहाँ पर इनको आजादी मिली और उसी दिन इल्यूमिनाटी की भी संरचना हुई थी। और कमाल की बात तो यह है कि वैसे तो अमेरिकन बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बट सम अमेरिकन आर स्टिल डम्ब। सम पीपल ऑफ अमेरिका बिलीव दैट अमेरिका वॉज क्रिएटेड बाई इल्यूमिनाटीज, मतलब जबरदस्ती इनको बाल की खाल निकालना ही है। कोई लॉजिक है क्या इसकी बात में? जर्मनी एक अलग देश है और अमेरिका एक अलग देश है, कहां से कंट्रोल? कुछ मतलब समझ में नहीं आता क्या इन लोगों को? फैक्ट नंबर 9, द ऑल सींग आईज वॉज नॉट द सिंबल ऑफ इल्यूमिनाटी। दोस्तों, एक्चुअली ये जो साइन है इल्यूमिनाटी का, दिस इज नॉट द एक्चुअल साइन ऑफ इल्यूमिनाटी। फॉर एग्जाम्पल, US के $1 बिल पर यही साइन है, एंड दैट्स व्हाट लेड मेनी कंस्पिरेसी थियरिस्ट टू बिलीव दैट US वॉज कंट्रोल्ड बाई द इल्यूमिनाटीज। वेल, इट्स जस्ट अ बुलशिट थियरी, बट द एक्चुअल साइन ऑफ इल्यूमिनाटी वॉज एन आउल। नंबर 10, दोस्तों ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि जो दिखता है वही बिकता है, जो कंट्रोवर्शियल है वही फेमस भी है। जस्ट लाइक एजुकेशन, फ्यूचर, इन्वेंशन, जॉब्स, क्रिएटिंग अ पीसफुल वर्ल्ड, क्रिएटिंग मोर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन फीड हंग्री पीपल्स, ये सब आइडियाज अच्छे हैं, बट इनको उठाओ और कचरे में डालो। ऐसा गवर्नमेंट ही कर रही है। यहाँ पर बस हिंदू मुस्लिम चलेगा, इसी में लोगों को जबरदस्ती भिड़ा के रखेंगे। वैसे ही इल्यूमिनाटी का नाम लेके इस बंदे ने अच्छा खासा पैसा कमाया था। इस बंदे का नाम है एलेक्स जोन्स। ही वॉज कंस्पिरेसी थियरिस्ट एंड रेडियो शो होस्ट, मतलब बाल की खाल कैसे बेवजह निकालना है ये इससे कोई सीखता। दुनिया को सीक्रेट सोसाइटी कंट्रोल कर रही है एंड इल्यूमिनाटी। ऐसे ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स क्रिएट करके ये बंदा हमेशा ट्रेंड में रहता था एंड अच्छा खासा नोट कमा रहा था। इट्स एस्टिमेटेड दैट ही मेड $10 million जस्ट बाय मेकिंग ओनली कॉन्टेंट ऑन सीक्रेट सोसाइटीज। बट somehow बेचारे को हर जगह से बैन कर दिया गया। यूट्यूब पर से बैन कर दिया, फेसबुक पर से बैन कर दिया, स्पॉटिफाई से बैन कर दिया, ट्विटर, एप्पल, इन सब कंपनीज ने इनको लात मार के निकाल दिया बिकॉज ही वॉज क्रिएटिंग सो मच कॉन्ट्रोवर्सीज। नंबर 11, इल्यूमिनाटी यूज कोड नेम्स। दोस्तों, अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई सीक्रेट मिशन है तो उसको सीक्रेट नेम भी दिया जाएगा। दैट्स वाई हर इल्यूमिनाटी के मेंबर्स के अलग अलग कोड नेम्स होते थे, एंड अपने यूनिक कोड नेम से ही सारे इल्यूमिनाटी एक दूसरे से बाहर की दुनिया में कॉन्टेक्ट करते थे। कोई एक दूसरे का रियल नेम नहीं यूज करता था। सो दोस्तों, ये थे कुछ फैक्ट्स इल्यूमिनाटी के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो आप अगर चाहो तो, क्योंकि आपको ऐसी वीडियोस आगे मिलती रहेंगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।